मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन, दिस इज़ विकास। और फ्रेंड्स, मार्केट में आपने साबूदाने की खिचड़ी खाई होगी, तो उस खिचड़ी का टेस्ट जो रहता थोड़ा अलग रहता है। आज मैं उसी की रेसिपी आपको लेके आया हूँ। उसके लिए अपने को साबूदाना रिक्वायरमेंट रहेगा और बॉयल आलू लिए हैं मैंने, लगभग 3 से 4 बॉयल आलू लिए हैं। और जो है साबूदाना लगभग आधा किलो लिया है मैंने। इसे 3 से 4 बार अपन वॉश कर लेंगे अच्छे से और 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख देंगे। उसके बाद पानी को हटा के हम जो है इसे लगभग 5 से 6 घंटे तक एज इट इज़ रहने देंगे बिना पानी के। फ्रेंड्स, इसे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और ये साबुदाना अच्छे से गल चुका है। आप ये देखिए, प्रेस करके देख सकते हैं, ये अच्छे से गल चुका है। अब इसे जो हम बनाने की विधि देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, भाप वाली खिचड़ी बनाने के लिए हमने ये पानी गर्म करने के लिए पहले रख दिया था। अब इसके ऊपर हमें इस टाइप से ये कढ़ाई रखना है ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। गर्म हो जाने के बाद इसमें हमको जो है 1 टेबल स्पून जो है घी का यूज़ करना है। अब ये घी मेल्ट होने देना है। उसके बाद जो है हमें जो साबूदाना हमने भिगोया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है घी पिघल चुका है। अब इसमें जो हमको साबूदाना जो हमने भिगोया हुआ था वो ऐड कर देंगे इस टाइप से। और जो बॉईल करे हुए आलू है वो भी हमें इसमें इसके साथ डाल देना है। इसको मिक्स करके अच्छे से स्टर करना है, क्योंकि जो अपन ने घी का यूज़ करा है वो सभी में आ जाना चाहिए। और इसे लगभग 20 मिनट के लिए जो है हमें ढक के अच्छे से होने देना है। और फ्रेंड्स, इसको जो है हम इस प्लेट की सहायता से ढक देंगे अच्छे से और लगभग 20 मिनट के लिए होने देंगे, जिससे साबूदाना जो है अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जो है हम मसाले उसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब इसको 5-6 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो देखिए, और इसको बीच में स्टर करते रहना हमें, क्योंकि साबूदाना नीचे ना लग जाए। देखिए, अभी भी बढ़िया खुला खुला बना है और कुछ दाने जो है दोस्तों इसमें ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और कुछ अभी भी वाइट है, पूरी वाइटिश है। जब तक वो दाने ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते तब तक हमें इसे 20-1 मिनट तक इसलिए होने देना है। बीच बीच में स्टर करते रहिएगा इसे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, ये पूरी जो साबूदाना है ट्रांसपेरेंट हो चुका है और अभी भी खुला खुला है। अब जो इसको अपन एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाकी के मसाले इसमें ऐड करके सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मसालों में हमें सबसे पहले जीरा पाउडर लिया है, ये जीरा पाउडर है। उसके बाद जो है हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, काला नमक लिया है, क्योंकि फरियाल में जो है वाइट नमक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हमने काला नमक का यूज़ करा है। पीनट लिया है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं। काले मिर्च के जो पीनट आते हैं, टेस्टी पीनट, वो है वो। इसके अलावा ग्रीन चिली को जो है हमने बारीक फाइन चॉप कर लिया है। और अगला जो है मिक्सचर है, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। काली मिर्च का मिक्सचर है ये भी, आप इसकी जगह लाल मिर्च का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। ये शुगर पाउडर है, शक्कर का हमने पीस लिया है अच्छे से। और ये जो है नींबू है, अब इसका यूज़ जो है हमने जो साबुदाने की खिचड़ी बनाई है उसमें करना है। सबसे पहले हमें जो है 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर यूज़ करना है। उसके बाद जो है हमें काली मिर्च का पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। आप एज पर टेस्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। काले नमक का यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। पीनट जो है वो डाल देना है हमें, क्वांटिटी आप आपके हिसाब से देख सकते हैं।
मुझे पूरी क्वांटिटी लगेगी। ये लगभग 50 ग्राम पीनट है, इसके अलग ग्रीन चिली का यूज़ करा है। ये 3 ग्रीन चिली को फाइन चॉप कर लिया है मैंने अच्छे से। मिक्सचर का यूज़ करना है इसमें, मिक्सचर डाल देंगे। उसके बाद शुगर पाउडर जो है हमें 1 से 1.5 टेबल स्पून यूज़ करना है। और जो नींबू, आधा नींबू हम निचोड़ देंगे। अब नींबू का यूज़ जो है आप इस पर टेस्ट कर सकते हैं। और खाने का सोडा अगर आपके पास अवेलेबल है, ये ऑप्शनल है, तो खाने का सोडा जो है आप हल्का सा पिंच खाने का सोडा आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना हमको। जैसा आपने देखा होगा मार्केट में यूज़ करते हैं मिक्स अच्छे से, उस टाइप से अच्छे से मिक्स कर लेना इसको। कहीं कहीं पे इसमें लाल मिर्च का यूज़ भी करा जा सकता है, लाल मिर्च का पाउडर जो आता है, बट कहीं कहीं पे जो है लाल मिर्च का पाउडर उपवास में नहीं चलता, इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च और ग्रीन चिली का ही यूज़ करा है। फ्रेंड्स, इसमें जो है हमें धनिया भी ऐड करना है। बढ़िया सा धनिया ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा धनिया आप इसमें ऐड करेंगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें। मैंने धनिया को अच्छे से धो लिया है, उसको बारीक फाइन चॉप कर लिया है, उसके बाद ही इसमें यूज़ करा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी खिचड़ी लग रही है आपको, और खाने में भी एक नंबर लगेगी। आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये खिचड़ी आपको कैसी लगी।